हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस के साथ। एज यू नो दैट यू विल गेट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, और इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही है, क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। हाउ टू सॉल्व देम, कैसे इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो वी विल डू अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस, जिससे कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, इक्वेशन बनाना, बाकी क्वेश्चंस हो जाते हैं। अभी जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपके 8 मार्क्स के होंगे, यानी 2+2+2+2 जिस हिसाब से फॉर्मेट है। एंड यू हैव टू लर्न द वॉल्यूम, CSA, TSA ऑफ ऑल दोज फिगर्स लाइक स्फेयर, सिलेंडर, कोन। तो आप इन सब के फिगर्स अच्छे से कर लेना लर्न। चलो बात कर, जो भी आपके मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज हैं दैट वर इन क्लास 9th, उन सबको लर्न कर लेना। Now we will start with this question. A rectangle is inscribed in a semicircle of radius r with one of its side on the diameter of the semicircle. ये question दे रखा है। Find the dimensions of the rectangle to get maximum area. Also find the maximum area. You will get this question in parts, but हम ऐसे ही करेंगे इसको। अब इसमें बोल रखा है एक rectangle है, वो inscribed है एक semicircle में, ठीक है। इसका मीनिंग है एक रेक्टेंगल एक सेमी सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। ये उतना अच्छा नहीं बनेगा, बट आपको समहाउ मैनेज करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर रेडियस जो है वो दे रखा है आपको आर, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस है आर, आपको समझ में आ रहा होगा। एक लाइन ही बना लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एक लाइन शेप्स में जाकर। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो है ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, कि अब मैं इसको ले लूँगी एक्स इस पार्ट को, एंड ये जो है हमारा ब्रेथ, इसको मैं वाई ले लेती हूँ। आपको सब कुछ लिख देना है जैसे आप, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए क्या क्या हमने इसमें ले रखा है। अब देखिए, जब ये x है तो ये भी तो x होगा, क्योंकि हमारा जो ये है ना, ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर है सेमी सर्कल का, ये पूरा जो हमारा लेंथ है दैट विल बी 2x। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब जो भी आपको गिवन होता है, जो भी आपको गिवन होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो पहला आपको यही होता है कि आपको कांस्टेंट के टर्म्स में एक रिलेशन बनाना होता है। तो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि द एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, जो भी अंदर के एंगल्स हैं सारे 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से यू विल गेट दिस रिलेशन, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। सेकेंड हम क्या करेंगे, देखो पहले स्पेस छोड़, तो सेकंड हमारा ये होगा, ये एम होगा कि हम किसी तरीके से इक्वेशन जो है, जो दे रखी है, जिसके यहाँ पर मैक्सिमम एरिया दे रखी है, ठीक है। अब जो भी मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है, हमें पहले तो उसका फॉर्मूला लिखना है। एरिया किसका पूछ रखा है, रेक्टेंगल का, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें ये प्रूव करना है। तो सेकेंड में हम वो मैक्सिमम मिनिमम वो उसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 2xy, क्योंकि यहाँ पर लेंथ इज 2x एंड ब्रेथ इज वाई। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम एक ही वेरिएबल में सब्सटीट्यूशन करें ताकि यहाँ पर कांस्टेंट भी आ जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं एक्स को सब्सटीट्यूट, एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, या तो वाई की वैल्यू निकाल सकती हूँ, फिर मैं यहाँ पर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो वाई स्क्वायर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वाई क्या हो जाएगा, y will be under root of r square minus x square. a is equal to 2x under root of r square minus x square. ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, किसके रिस्पेक्ट में, हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। a के वेरिएबल में आ गया ना, ये देखो x के टर्म्स में आ गया। अभी r तो हमारा कॉन्स्टेंट है, जितने भी हम अज्यूम करते हैं ना वो वेरिएबल्स होते हैं। हमने क्या अज्यूम करा, x y, ये सारे हमारे वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि हमने ये वैल्यूज अपने आप अज्यूम करी है, लेट करी है। अब dy dx हमारा आ जाएगा,
आपको क्योंकि यहाँ पर डी ए बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, फिर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम आपको डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना होता है, ठीक है? तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कैसे करना है ये। डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा टू तो बाहर, देन प्रोडक्ट रूल इंटू माइनस टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन, ठीक है? ये हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 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 कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, मैं सीधे एलसीएम लेकर कर रही हूँ, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी ए बाई डी एक्स विल बी टू इंटू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डी ए बाई डी एक्स आ गया है। इसके आगे क्या करेंगे, चलो न्यू स्लाइड में चलते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमारा डी ए बाई डी एक्स देखो क्या था, ये था ना, अब टू तो वहां चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, इवन डिनोमिनेटर भी वहां जाके जीरो हो जाएगा, बट आपको कन्फ्यूजन हो गया तो मैं पूरा लिख देती हूँ, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो ये यहाँ चला जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एंड देन टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी r बाय रूट टू। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी वो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है? एक तो डायमेंशंस यानी लेंथ और ब्रेथ, और फिर हमें मैक्सिमम एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैंने ये कर दिया, उसके बाद हमें ये भी करना जरूरी है डी टू ए बाय डी एक्स स्क्वायर। अब जब आप डी टू ए बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आपको ना इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए तो ये लेस दैन जीरो आनी चाहिए। जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको लेस दैन जीरो ही मिलेगी एट एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू, ठीक है? आप इसको फाइंड आउट करके देख लो, आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है, यानी वो लेस दैन जीरो है। तो हाँ, ये मैक्सिमम एरिया होगा इस एक्स में, और वाई हमारा कितना आ जाएगा, देखो एक्स तो हमें आर बाई रूट टू मिला है, वाई हम कैसे निकालेंगे, यहीं पर पुट करके देखो ये वाली इक्वेशन दूसरे पेन से, ये देखो ये इक्वेशन है, इसमें वापस पुट कर दोगे ना, बाय कितना दे रखा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पर एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर बाय टू, वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो वो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, हाँ, तो y इज इक्वल टू आर बाई रूट टू, तो y तो ये आ गया। पर हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो डायमेंशंस है रेक्टेंगल के, हमने अभी अभी देखा था 2x और y थे, है ना, लेंथ और ब्रेथ हमने 2x और y ले रखा है, तो इसमें जो लेंथ है वो आ जाएगा 2 इंटू एक्स दैट इज आर बाई रूट टू, एंड ब्रेथ कितना आ जाएगा, आर बाई रूट टू। समझ में आ गया होगा। अभी देखो ये रूट टू, रूट टू, तो हमारा जो लेंथ है वो तो आ गया रूट टू आर, एंड जो हमारा ब्रेथ है वो आ गया आर बाय रूट टू। समझ गए होगे अच्छे से, ये तो एक्स की वैल्यू है ना, ये लेंथ थोड़ी ना, लेंथ तो हमारा टू एक्स था, जैसे आपने फिगर में मैंने आपको दिखाया था, ये है टू एक्स, इतना पार्ट है एक्स तो, ठीक है? तो ये हो गया, ये थोड़ा घिचपिच सा हो गया, बट आपको समझना होगा हाउ टू डू दिस। सो वी विल फाइंड आउट द एरिया जो कि हमें निकालनी है, फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया दैट इज लेंथ इन टू ब्रेथ, हो जाएगा रूट टू आर मल्टीप्लाई आर बाय रूट टू, ठीक है? आंसर विल बी आर स्क्वायर। आंसर क्या है मैक्सिमम एरिया का, आर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये जो गिवन है दिस इज अ कॉन्स्टेंट एंड जो हम अज्यूम करते हैं दैट इज अ वेरिएबल। अ कोन, कोन ले लिया उन्होंने, ठीक है, ये हमारा कोन है,
इज इंस्क्राइब इन अ स्फेयर, यानी ये एक स्फेयर के अंदर है, तो मैं ऐसे स्फेयर बना देती हूँ। ठीक है, बहुत ही बेकार बन रहे ये फिगर्स, मैं फिर से बना देती हूँ। ये कौन है? और ये हमारा स्फेयर है। बेटर बेटर बना है, बेटर। ठीक है, अब इसमें जो आपको इसमें बहुत ध्यान रखना है कि आप किसका रेडियस ले रहे हो, स्फेयर का ले रहे हो कि कोन का ले रहे हो। नाउ अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम स्फेयर के रेडियस की बात कर रहे हैं, यानी अगर ये सेंटर है तो जो ये है, जो ये है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर होगा रेडियस। ठीक है, इवन ये भी क्या होगा हमारा 12 सेंटीमीटर होगा, ये सब। ठीक है, तो मैं यहाँ तो पहले हाइट खींच देती हूँ इस कोन की, यहाँ तक होगी ना इसकी हाइट, इस कोन की हाइट। ठीक है, इतना पार्ट है, हाँ ये 12 है, पूरा नहीं है। सो हमें कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है सबसे पहले कि रेडियस हमारा कांस्टेंट उसमें आए। उसके बाद हमें बनाना है इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम, यानी हमें वॉल्यूम का एक रिलेशन बनाना है, उसके बाद हम कर ही लेंगे। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी आर। ठीक है, मैंने ये कोन का रेडियस आर ले लिया, और लेट द हाइट ऑफ द कोन बी एच। जब ये पूरा एच है, इतना सा 12 है, तो मुझे ये बताओ ये पार्ट कितना होगा? ये पार्ट ये हो जाएगा 12 - h। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा 12 है और ये इतना से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस तक जा रहा है ना स्फेयर के, तो ये जो रेडियस है हमारा 12 दे रखा था, तो ये हो जाएगा, सॉरी h - 12 हो गए, क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया h - 12। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से। सो ये हो जाएगा 12² = h - 12 होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 144 = इसको खोल दो ब्रैकेट को, प्लस आर स्क्वायर। 144 144 कैंसिल, h² + r² = 24 h। अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, वैसे यहाँ पर हम कर ही लेंगे जो भी हमें सब्सटीट्यूट करना होगा। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 πr² h। अब देखिए r जो है हमारा, ये रेडियस है कोन का, कहीं पता चला 12 यहाँ पर पुट कर दिया, ऐसे मत करना प्लीज़। हाँ, और h या तो हम h की जगह पुट कर सकते हैं या r की जगह पुट कर सकते हैं यहाँ इस इक्वेशन से, बट इट इज़ बेटर टू सब्सटीट्यूट r². क्यों? क्योंकि अगर आप h पुट करोगे फिर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा कि 24 यहाँ पर देखो, h यहाँ पर भी है, h यहाँ पर भी है, तो जो सबसे कम बार होता है ना आप उसी को सब्सटीट्यूट कर दो। यहाँ पर r सबसे कम बार है, ठीक है, तो यहाँ से मैं r निकालती हूँ, r² = 24 h - h² तो ये हो जाएगा 1/3 πr² की जगह हमने 24 h - h² सब्सटीट्यूट कर दिया है इंटू h, करेक्ट? समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा 1/3 π 24 h² - h³। नेक्स्ट स्टेप इज dv/dh। हमने एक वेरिएबल में ला गए ना, देखो = 0, हमें ये करना है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम, तो ये हो जाएगा π/3 तो बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 48 h - 3 h² = 0। फिर ये हो जाएगा 48 h - 3 h² = 0 एंड 3 h² = 48 h, 3 h = 48 एंड h की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 16 सेंटीमीटर। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड इट्स हाइट। और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, d2v/dh². ठीक है, ये आपका लेस देन 0 आना चाहिए जब आप इसको, ये है ना dv/dh जो आपने निकाला होगा, ये वाला देखो, ये वाला है ना dv/dh, इसको आप जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो आपको, मैं आपको दिखाई देती हूँ, चलो
ये पाई बाई थ्री तो बाहर ही है, ये 48 आया, ठीक है, -6h आया। उसके बाद पाई बाई थ्री 48 माइनस ये जो है ना 6 × 16, ये करोगे आप 96 आएगा। अब देखो 98 -48 माइनस ये आएगा आपका, नेगेटिव में आंसर आ रहा है जो कि लेस देन जीरो है। तो यहाँ ये प्रूव हो गया d2v/dh² इज लेस देन जीरो, सो हमारा जो वॉल्यूम है इट विल बी मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 16, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है जो आपको पूछा था, आपको वही करना है। मैं अच्छे से आपको इसकी PDF आपको दे दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं कर रखा, मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज मैनर में आपको PDF दे दूंगी इसकी। जैसे वीडियो रिलीज होगी तो उसके थोड़े 10 मिनट बाद आप फिर से चेक करना इस वीडियो को। आई विल बी अटैचिंग द लिंक ऑफ दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये 10 लिख रखा है मैंने। चलो, अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम 539/2 क्यूबिक यूनिट्स। तो जो भी गिवन है दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, आपको कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप ऐसे ही रखो। फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर सो दैट द टोटल सर्फेस एरिया इज मिनिमम। तो सेकेंड में आप टोटल सर्फेस एरिया करोगे। तो पहले तो हम एक डायग्राम बता देती हूँ, फिगर, रफ फिगर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये मैंने सिलेंडर ले लिया, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 539/2। तो पहले तो मैं आपको वॉल्यूम बता देती हूँ सिलेंडर का क्या होता है, πr²h, यानी जो 539/2 है दैट इज इक्वल टू πr²h, ठीक है। अब है फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर सो दैट द टोटल सर्फेस एरिया इज मिनिमम। तो यहाँ पर मैं थोड़ा टोटल सर्फेस एरिया निकाल लेती हूँ। आपको सब कुछ आपको लेट करना है, जो भी वेरिएबल्स होंगे आपके, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको इतना आना चाहिए, ये हमारी हाइट हो जाएगी, और क्या ले सकते हैं, जो भी पॉसिबल है आप वो सब ले लो। अब ये TSA है, TSA मीन्स टोटल सर्फेस एरिया। तो यहाँ पर दो सर्कल हैं, यानी 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया यानी 2πr h। तो 2πr h इंटू h प्लस आर, ठीक है, ऐसे करके हमें लिख देना है इसको। आप इसको खोल भी सकते हो, मर्जी है। 2πr h प्लस 2πr² इसमें मैंने वो लिख दिया एक्स्ट्रा, एक ये एक सेकेंड, 2πr h + r ये होता है ना। तो आप इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा। हाँ, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, अगर आप h लोगे, h निकालोगे यहाँ से, तो आपको यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, हाँ सिर्फ यहीं पुट करना है। अगर आप r निकालोगे तो आपको यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर टू टेक h, ठीक है, h को निकालो, h कितना आ जाएगा, 2 539/2πr² ईजी होगा देखना। अगर आप h सब्सटीट्यूट करोगे, h क्योंकि एक ही जगह है ना, r सब्सटीट्यूट करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। 2πr × 539/2πr² प्लस 2πr². अब देखो एक ही वेरिएबल में आ गया ना, r के टर्म्स में। फिर आपको भाई कैलकुलेशन करनी है इसके आगे, तो सभी कर लेंगे। ये हमारा t है। अब dt/dr निकालो पहले, दैट विल बी −539/r² प्लस 2π × 2r, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, 539/r² इक्वल टू क्या था, 4πr इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया 539/r² इक्वल टू 4πr। अब यहाँ से आप r क्यूब निकालोगे, दैट विल बी 539/4π,
आर क्यूब इक्वल टू 539 बाय 4 इंटू 22 बाय 7, तो यहाँ से इंटू 7। देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऑप्शंस देख लेना, कई बार आपको पाई के टर्म्स में दिया होगा, देन यू हैव टू टिक दैट। इफ इट इज गिवन इन नंबर्स देन आपको देखना होगा जो आंसर आ रहा है। तो यहाँ से 2 11 4 11 9, तो आर क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब बन रहे हैं, ये तो मतलब आर की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 7 बाय 2। हमें फाइंड आउट क्या करना था, रेडियस फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम हाइट कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर दो बस, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया, एच इज इक्वल टू 539 कहाँ गया डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, तो 539 बाय 2 पाई इंटू 49 बाय 4। तो बस आप इसको सॉल्व कर लोगे, एच की वैल्यू भी आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया है। अरे यार मैं कौन सा क्वेश्चन खोल रही बार बार, ये वाला कर रहे हैं ना हम अभी। तो हाइट आप ऐसे निकाल लोगे, टोटल सरफेस इज मिनिमम, तो आप टी एस ए डी टू एस डिवाइडेड बाय डी टू टी डिवाइडेड बाय डी आर स्क्वायर निकालोगे, सेकेंड डेरीवेटिव इसका, तो आपको टोटल सर्फेस एरिया मिलेगा मिनिमम। कैसे, जब वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, इसलिए वो भी आप कर लेना, डी टू टी बाई डी आर स्क्वायर जो भी आपका आएगा ना वो जरूर होगा ग्रेटर देन जीरो। तो हमारा टी एस ए मिनिमम होगा वेन आर इज इक्वल टू 7 बाई 2 एंड एच इक्वल्स टू, ये कुछ शायद कैलकुलेट करके 7 आ रहा है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, मुझे कमेंट कर देना इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन में चलता है, विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सर माउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। देखो ये मैं बिल्कुल वन शॉट वीडियो बना रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी पॉजेस और आई एम नॉट एडिटिंग एनी थिंग, ये बिल्कुल रॉ वीडियो है, इसमें मैंने कुछ एडिट वगैरह तो करा नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, दिस इज अ विंडो एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, मतलब इसके ऊपर एक सेमी सर्कल चढ़ गया है। इफ द पेरीमीटर बी 30 मीटर फाइंड द डायमेंशन सो दैट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ लाइट मे बी एडमिटेड। अब इसको ध्यान से देखना, मैं बहुत ईजिली आपको बताऊंगी। अब इसमें सिर्फ आपको पेरीमीटर गिवन है, दैट इज 30 मीटर, पेरीमीटर गिवन है दैट इज अ कॉन्स्टेंट इन दिस केस, क्योंकि हमें वो गिवन है। तो यहाँ डायमेंशन हम लेट करेंगे, पहले तो क्या करेंगे कि जो ये है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, मैं ले लेती हूँ एक्स, ठीक है। ये हम ब्रेथ ले लेते हैं रेक्टेंगल का वाई। अब देखो जब ये इतना पार्ट एक्स है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो ये भी एक्स ही होगा, यानी हमारा जो लेंथ होगा दैट विल बी 2x, ये वाई हो गया। अब हम पेरीमीटर, हमें आता है कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम बार बार कर लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर तो 2x प्लस वाई प्लस वाई प्लस, अभी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल देखो यहाँ पर निकाल के दिखाती हूँ। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, अगर आप सर्कल का होता है बड़े वाला जो पूरा सर्कल होता है उसका 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का डिवाइड बाई 2 होगा, यानी हमारा पाई आर होगा। इसमें रेडियस क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो हमारा जो पेरीमीटर होगा वो पाई एक्स होगा। समझ में आगे कैसे आता है ये, तो इक्वल टू 30 मीटर हो गया, क्लियर। 2x प्लस 2y प्लस पाई एक्स इक्वल टू 30। अब यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ दोगे, अब सेकंड जो है हमें देखना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ लाइट में भी एडमिटेड। अब खुद सोचो ये ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम, और लाइट कहाँ से आएगी, इसके एरिया से तो आएगी, तो हम हमें ये एक तरीके से मैक्सिमम एरिया ही बता रहे हैं। एरिया कितना हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, 2x इंटू वाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं। चलो एरिया नॉर्मल सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 है ना। तो यहाँ पर रेडियस कितना है, एक्स, तो यहाँ हमारा एरिया आ गया पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखते हैं यहाँ पर एक्स भी है वाई भी है, तो मैं सोच रही हूँ एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूँ वैल्यू, वैल्यू तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि अगर हम एक्स की जगह डालेंगे यहाँ पर वैल्यू,
तो दोनों जगह सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x माइनस पाई एक्स. सो y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, a इज इक्वल टू 2x, y की जगह 30 माइनस 2x माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. 2 2 कैंसिल. a इज इक्वल टू 30x माइनस 2x स्क्वायर और हाँ माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2. अब कुछ नहीं है, एलसीएम लेना है. 60x माइनस ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ये तो मैंने ए निकाल दिया. ठीक है, इसको हम अब क्या करेंगे, डीए बाय डीएक्स फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये एक्स के टर्म्स में है. आपको समझ में आ गया ना क्या करा मैंने यहाँ पर, वाई की जगह वो वैल्यू पुट कर दी. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके तब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, सब कुछ ठीक है ना. नेक्स्ट स्टेप इज डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो डी ए बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, देखो 1/2 तो बाहर. सो 60 माइनस 8x, 60 माइनस 8x माइनस 4 पाई एक्स और क्या होगा बताओ, प्लस 2 पाई एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, 2 वहां चला गया, 0 जाएगा, बचा क्या 60 माइनस 8x. अब ये हो जाएगा माइनस 2 पाई एक्स इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये 8x, अच्छा पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हो रहा है ना. तो यह आ जाएगा 30 माइनस 4x माइनस 5x इक्वल टू 0. 4x प्लस 5x इक्वल टू 30. एक्स कॉमन, पाई प्लस 4 इक्वल टू 30. एक्स इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4. समझ में आ गया, ये मीटर में है. तो हमारा जो एक्स है, एक्स हमारा आ गया 30 बाय पाई प्लस 4. अभी ये मत समझना कि ये हमारी लेंथ है, लेंथ तो हमें दे रखी थी ना 2x, लेंथ तो हमारी 2x थी. तो हमारी लेंथ हो जाएगी 30 × 2 दैट इज 60 डिवाइड बाय पाई प्लस 4. अच्छा आप वाई निकाल सकते हो, वाई कैसे निकालोगे जरा सोचो. बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये दिख रहा है, एक मिनट दूसरे पेन से, ये दिख रहा है ना, ये पेन ही नहीं चल रहा, कैसे बेकार पेन से है. हाँ ये देखो, वाई इज इक्वल टू 30 माइनस 2x माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2. तो आपको क्या निकालना था, यहाँ पर डायमेंशंस फाइंड आउट करने थे. तो डायमेंशंस लास्ट में आप ना यही मिस्टेक कर लोगे कहीं कि लेंथ और ब्रेथ निकाल रहे हो, सिर्फ एक्स दिखा रहे और वाई जो आपके ऑप्शंस दे रहे होंगे, आपको दिखेगा कि अरे वाह ये तो 30 बाय पाई प्लस 4 ऑप्शन में है, तो मैं उसी को टिक कर देता हूँ लेंथ में. बट यहाँ पर देखो, लेंथ तो हमने 2x ली थी ना यहाँ पर, इसलिए पूरा सॉल्व करके लिखना है 60 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4. बाकी आप वाई तो फाइंड आउट कर लोगे या मैं कर लूँ, चलो कर ही लेते हैं. वाई इक्वल टू 30 माइनस क्या था, 2x माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाय 2. सो वाई इज इक्वल टू 30 माइनस 2 × x दैट इज 60 बाय, तो ये तो पूरा ऐसे लिख देते हैं, 60 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 माइनस पाई इंटू एक्स दैट इज 30 पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय 2. तो ये वाई आ जाएगा 30 पाई प्लस 4 माइनस 60 माइनस 30 पाई
डिवाइडेड बाय 2π+4, y इज इक्वल टू 30π प्लस 120 माइनस 60 माइनस 30π डिवाइडेड बाय 2 × π+4. 30π कैंसिल, 60 डिवाइडेड बाय 2π+4, ठीक है 230. तो हमारे जो y की वैल्यू आ गई है वो भी क्या आ गई है, 30π+4 मीटर. एंड द लेंथ इज गिवन 60π+4. सो द डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगल आर 60π+4 एंड 30π+4. और आप ये इतना तो आप कर ही लोगे यार, है ना. इसका मैक्सिमम एरिया कैसे निकाल लोगे आप, फिर से आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डी ए बाई डी एक्स को. आप निकालोगे d2a/dx². अब जो ये है ये लेस देन जीरो आ जाएगा आपका, जो भी आपका आएगा ना आंसर वो नेगेटिव में आएगा. इसका मीनिंग है कि जो एरिया है वो मैक्सिमम है, एरिया इज मैक्सिमम, और आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है. जो भी आपका लेंथ और ब्रेथ है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है उसमें, तो आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको समझ में आया है, कुछ गेन हुआ है, यू कुड डू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, तो आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए. मैं PDF आपको दे दूँगी, मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.